तो अभी रात का कितना बज रहा है? डिनर अभी 8 बज रहा है। अभी 8 बज रहा है और हम लोग रात के डिनर यहीं कर लेते हैं। हम लोग अभी पटना जंक्शन के नज़दीक में एक होटल में हूँ, तो खाना खा करके अभी हम लोग तुरंत जाऊँगा रेलवे स्टेशन का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा व्यू कराने वाला हूँ। तो पहले खाना खा लेता हूँ, आप देख सकते हैं पीछे आपको दिखा, या आप देख सकते हैं इधर खाना रेडी हो रहा है, तैयार कर रहे हैं, प्लेट तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे, फिर थोड़ा देर के बाद निकलेंगे। खाना यहाँ पे रेडी होके आ चुका है, आप देख सकते हैं दाल है, चावल है, रोटी है और सब्जी है। तो गाइस अभी मैं पटना जंक्शन पर हूँ और आप देख सकते हैं, अगर आपको आप कभी पटना जंक्शन पर आइएगा तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इधर एक बहुत फेमस महावीर जी का मंदिर है और यहाँ से करीब 500 मीटर पर गांधी मैदान है। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, ये देख सकते हैं ये पटना जंक्शन है और अभी मैं टिकट काउंटर के पास चल कर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं पूरे जंक्शन पे का रिव्यू कराने वाला हूँ, रिव्यू कराने वाला। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं जिस जगह पर हूँ वो बिहार का राजधानी है, आप देख सकते हैं ये और ये पटना जंक्शन है, देख सकते हैं आप। और इसके नज़दीक में काफ़ी पटना का फेमस महावीर मंदिर है, आप इधर देख सकते हैं ये महावीर मंदिर है और यहाँ से करीब गांधी मैदान की दूरी 500 मीटर के करीब करीब है। तो आप लोगों को चल करके पूरे इस स्टेशन का रिव्यू कराने वाला हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़िया यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पे बिहार के संस्कृति जो है वो सबको यहाँ पर देख सकते किस तरह से दर्शाया गया है, स्टेशन पर दिखाया गया है। तो अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ गेट नंबर 1 पर, इधर आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 है। अब इधर जो सामने देख रहे हैं ये पटना का गेट नंबर 1 है और इस स्टेशन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तस्वीर बनाया गया है जो कि आर्यभट्ट महान गणितज्ञ जिन्होंने गणित के क्षेत्र में काफ़ी खोज की हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये महान सम्राट अशोक का भी प्रतिमा यहाँ पर बनाया गया है और इधर आप देख सकते हैं वहाँ पे अशोक चक्र आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक चक्र भी बनाया गया है और कुछ दूर फिर आगे चलने के बाद आपको अशोक स्तंभ ये देख सकते हैं, यहाँ पे अशोक स्तंभ का भी फिगर बनाया गया है। उसके बाद शांति विश्व स्तूप जो राजगीर में पड़ता है, जो शांति विश्व स्तूप जो राजगीर में पड़ता है उसका भी यहाँ पे चित्रण किया गया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे चल के आपको महात्मा बुद्ध का भी प्रतिमा इस पटना जंक्शन के गेट से बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का भी चित्रण किया गया है और ये गेट संख्या 2 है इस जंक्शन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद बोधि वृक्ष जहाँ पे बुद्ध भगवान का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और ये बोध गया पड़ता गया, जहाँ पे इधर देख सकते हैं यहाँ पे बोधि वृक्ष का भी चित्रण किया गया है। और इसके जस्ट सामने अगर आप जाओगे तो आपको मेन गेट मिलेगा, ये गेट संख्या 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेट संख्या 3 है। और इसके माध्यम से भी आप अंदर प्रवेश कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हो इधर। आगे चल के आपको दिखा रहा हूँ गेट संख्या इसमें कितना बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये गेट संख्या 3 है। यहाँ पर भी बोधि वृक्ष का चित्रण किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ भी बोधि वृक्ष बनाया गया है। और उसके बाद सामने आप देखोगे तो आपको मिलेगा नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा में पड़ता है और इधर नालंदा विश्वविद्यालय का भी फिगर बनाया गया है इस पर। तो रात नाइट में कुछ इस तरह से दिखता है ये पटना जंक्शन बाहर से। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है चाणक्य जी का भी यहाँ पे तस्वीर बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा लिखा हुआ है छठ पूजा और बिहार का जो महान पर्व है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं को का चित्र बनाया गया जो कि छठ करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर कि आप लोगों को दिखाया कि जो पटना जंक्शन है यानी कि बिहार की राजधानी पटना, यहाँ का जो जंक्शन है वो किस टाइप का बाहर से दिखता है। और अब मैं चल रहा हूँ टिकट काउंटर के पास, तो आप लोगों को टिकट काउंटर यहाँ का दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप जब भी पटना जंक्शन पर आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई चीज़ का, कोई भी चीज़ ढूंढने में। तो अभी मैं टिकट काउंटर के पास चलते आपको लोगों को दिखा देता हूँ टिकट काउंटर। तो सामने आप देख सकते हैं टिकट घर अनारक्षित टिकट घर, इसके अंदर आपको लोगों को दिखा देता हूँ टिकट काउंटर किस तरह से बना हुआ है। तो गाइस ये भी टिकट घर है, आप देख सकते हैं इसमें टिकट यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे काउंटर बना हुआ है जहाँ से लोग टिकट कटाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। काफ़ी सारे टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।